सके से 6 अप्रैल 2019 से है, और जो स्क्रिप्ट लेके आया था वो टाटा पावर कंपनी लिमिटेड है। कहने के पावर सेक्टर में थोड़ा रिलीफ होने को है और शायद स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ बेनिफिट देने को है। अगर ऐसा होता है तो टाटा पावर अदानी पावर में अच्छा खासा आपको तेजी देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है, चार्ट पर भी देखने को मिल रहा है। अदानी पावर और टाटा पावर दोनों में वॉच लिस्ट है दोनों, लेकिन 100% बैंक सेंटीमेंट है। अच्छी स्क्रिप्ट है ये, सिर्फ 5.5 पे मिल रही है। प्राइस टू क्या बोले तो 3.33, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.414, डिविडेंड 1.71 का देती है। 35 से 40% की डिलीवरी हो रही है, 30%, 35%, 40%, अच्छा दिख रहा है ये। और अगर मैं दूसरे फाइनेंशियल की बात करूँ तो यहाँ पे 52 हाई 89 दिखा रहा है और 15 लो दिखा रहा है, 59 71 के पास चल रहा है। पी रेशियो 21 का है, बुक वैल्यू 68 का है, मार्केट कैप 49,461 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18% है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5,528 करोड़ का है, 48,000 करोड़ का डेप्ट है, बट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1.2 है, निगेटिव है इसका 48,000 करोड़, और सेल्स ग्रोथ जो कि निगेटिव बता रहा है, ये दोनों एक निगेटिव है। ऑपरेटिंग मार्जिन 18% अच्छा है, मार्केट कैप 1 बिलो 1 है अच्छा है, प्राइस टू कैश फ्लो 3 टाइम्स है, बहुत खराब नहीं है। क्या करती है तो टाटा पावर कंपनी इंटीग्रेटेड पावर कंपनी, द कंपनीज प्रिंसिपल बिजनेस आर इन द एरियाज ऑफ जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कम रिटेल पावर ट्रेडिंग पावर सर्विस कोल माइंस लॉजिस्टिक स्ट्रेटजिक इंजीनियरिंग फॉर डिफेंस एप्लीकेशन सोलर फोटोवोल्टिक पीवी मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ईपीसी सर्विस, ये काम करती है। और कहीं ना कहीं आप देखें टाटा पावर में एक बार शेयर होल्डिंग परसेंटेज भी देख लें, इसको इसका शेयर होल्डिंग परसेंटेज क्या है, ये टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड का 31%, टाटा स्टील का 1.45%, और इसमें से 4.62 जो शेयर है वो गिरवी रखा हुआ है, एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो गिरवी रखा गया है। बाकी आप देख लीजिए यहाँ पे टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन 0.25 है, तो टाटा सन्स के सबसे ज़्यादा होल्डिंग है 31%, 4.62 उसमें से गिरवी रखा गया है ना, जो शेयर है वो गिरवी रखा हुआ है। ऐसे से जो टॉप पब्लिक शेयर होल्डिंग देख लेते हैं एक बार इसमें, ये कौन कौन टॉप पब्लिक शेयर होल्डिंग है इसमें, तो यहाँ पे LIC है, मैथ्यू पेसिक रिफर्स है 6.67, ICICI पोटेंशियल है, क्लियरिंग है जनरल इंश्योरेंस सीटर LLP है, ट्रस्ट है, ये सब टॉप होल्डिंग है सबके। NRI डायरेक्टर ऑफ रिलेटिव IPF ओवरसीज कॉर्पोरेट फॉरन नेशनल, तो ये म्यूचुअल फंड में भी देखेंगे किसके किसके पास है, तो म्यूचुअल फंड में भी थोड़ा इस मार्च 19 में तो बाइंग नहीं दिख रही है। सेल्स ग्रोथ जो है इसका कंसर्न आपको बताइए सेल्स ग्रोथ, और इसका एनालिसिस करें तो कंपनी इज लोवेस्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, द कंपनी इज डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ, प्रमोटर होल्डिंग्स लो 33, कंपनी इज लो रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर लास्ट 3 ईयर्स, अर्निंग इंक्लूड अदर इनकम ऑफ 5,036 करोड़, अच्छा क्या है 1.05 टाइम्स बुक वैल्यू ट्रेड कर रही है, डिविडेंड पे आउट अच्छा करती है। तो इसमें अभी देखेंगे रिसेंटली जो वॉल्यूम हुआ 17,93,000 को 35% की डिलीवरी हुई है 5 अप्रैल को, प्राइस वैल्यू जो वेटेड अभी 71.77 है तो वहाँ से थोड़ा ऊपर क्लोजिंग देती है 71.95, पॉजिटिव तो दिखता है। तो इसमें क्या दिख रहा है कि कहीं ना कहीं टाटा पावर में एक बाइंग सेंटीमेंट है जो जनरेट हो रही है, और कहीं ना कहीं वो ऊपर की ओर जाता हुआ दिखता है। आप देखेंगे अगर ये आप देखेंगे 21 दिन का जो डेमा है ये इसको क्रॉस करता है 50 दिन का और उससे थोड़ा ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो अगर शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं कोई भी तो 71 का स्टॉप लगा लें, और लॉन्ग टर्म के ट्रेडर हैं तो 67 का स्टॉप लॉस रखें, और इसको कहीं ना कहीं बाइंग सेंटीमेंट में रखें तो पहला 75 की ओर जाता हुआ दिखेगा, और 75 क्रॉस करता है तो फिर आपको ऊपर की ओर जाता हुआ दिखेगा, 80-90 की ओर जाता हुआ दिखेगा। 80 के बाद जो इसका टॉप हाई देखेंगे तो ये 101 रुपये के आसपास का बनाया हुआ है, 101 रुपये तक जा चुका है, तो कहीं ना कहीं ये जब ऊपर की ओर जाएगा तो ये आपको ऊपर अगर जाता हुआ दिखता देख सकता है। अब इसलिए वॉच लिस्ट में इसको लाया है कि कहीं ना कहीं इसमें एक बाइंग आई है और अच्छी खासी बाइंग आई है, देखेंगे क्या पैटर्न, अच्छा पैटर्न इसमें बना हुआ बाई का विथ वॉल्यूम बना है, और वॉल्यूम 20 से ज़्यादा है,
तो एक वॉल्यूम है 71 का स्टॉप लॉस रखे और इस पे बाइक रहे सर 75 पहला टारगेट रेट ये दूसरा टारगेट की हो जा सकता है। इसको डेरिवेटिव में देखने की कोशिश करें तो टाटा पावर 72.40 पे क्लोजिंग हुआ 25 अप्रैल का है, ये पुट है ये कॉल है। एट द मनी 72 पे देखें तो 153,000 की बाइंग हो रही है 72 पे, 243,000 का क्यूमुलेटिव वहाँ पर इंटरेस्ट है। सबसे ज़्यादा देखिए 75 पे बाइंग हो रही है, 15,30,000 से इसको बाई किया गया और 9,000 का ये लॉट साइज होता है और 35,00,000 का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है। और ये सेम 35,00,000 का 30,00,000 का आपको वापस 80 पे मिलेगा, तो 80 क्रॉस करना थोड़ा टफ है इसके लिए, लेकिन 75-80 जाने का दम रखते हैं। नीचे देखेंगे तो 9,90,000 70 पे इसको बहुत बड़ा सपोर्ट है और 9,90,000 का। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 75 पे अनवाइंडिंग हो रही है, बट अब अगर 74 तक देखेंगे तो 74 तक आपको शॉर्ट किया हुआ मिल रहा है। तो अगर मैं इसके टाटा पावर के कॉल को 275 के कॉल को देखो बाज रखो तो लो 125 का है, हाई 245 का, 245 के हाई पे ही क्लोजिंग दिया है, बाइंग 17,46,000 का है, सेल 6,93,000 का, 77% का ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है, लॉट साइज 9,000 का है। तो कहीं ना कहीं आप टाटा पावर के 75 के कॉल को वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर ये यहाँ पर देखिए पूरा सब ग्रीन है, पॉजिटिव बाइनेस है, और जो 75 का जो आप आईवी भी देखेंगे तो 75 का तो आईवी 50% है, मीन्स एक्चिवेबल दिख रहा है कि ये एक्चिंग हो सकता है। अगर पुट साइड में देखें तो 47 है, मीन्स दोनों तरफ सेम रेशियो है, तो कहीं ना कहीं ये आपको एक्चिव होता हुआ दिख सकता है 75 का 74 के आसपास। तो जो आज इसका 75 का जो 2.45 रुपीज़ है ये आपको यहाँ से डबल होते हुए 4 रुपये तक जाते हुए दिख सकता है। तो टाटा पावर में एक पॉजिटिवनेस है, एक कॉल आई है स्पाइक आई है, एक न्यूज है जिसके चलते हो सकता है कि इसमें आपको आवरली बेसिस पे भी देखेंगे यहाँ पे तो 70.68 रुपये मीन 70 का स्टॉप लॉस लगाइए आप किसी भी हालत में, और 70 के स्टॉप लॉस से आप इसको बाइंग रख सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए आपको बताया कि आपको 67.80 का आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो टाटा पावर में जस्ट छोटा सा खाली अपडेट था कि एक से जो अभी ट्रेड कर रही है इसमें कहीं ना कहीं स्पाइक दिख रहा है। वॉल्यूम वेटेड एवरेज से भी अगर देखने की कोशिश करें तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे जहाँ ये 71.76 पे क्लोज करना चाहिए था वहाँ 71.95 पे क्लोज किया 5 अप्रैल को, एक अच्छी क्लोजिंग भी है यहाँ पे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको एक बार बाइंग सेंटिमेंट में देख सकते हैं, वॉचलिस्ट पे रख सकते हैं। ये मेरा ओपिनियन है कि एक बार हो सकता है ये ऊपर की ओर जंप कर सकता है, मंडे ट्रेडिंग में भी हो सकता है आपको ये ऊपर की ओर जाता हुआ दिखे। मेरा कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, हो सकता है ये आपको ऊपर की ओर पावर सेक्टर दिखे, पावर सेक्टर में बूम है तो ये भी जाएगा, इसी मेरा एक ओपिनियन है। बाइंग और सेलिंग करने पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।